झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में नरमी को देखते हुए डीजल और एटीएफ यानी जेट ईंधन पर अप्रत्याशित लाभ कर या फिर विंडफॉल टैक्स में कटौती कर दी है। हालांकि घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर शुल्क बढ़ा दिया है। बीती रात सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में क्रूड डीजल और एटीएफ पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स के नए रेट बता दिए गए हैं। ये नया आदेश आज से लागू हो गया है। साथ ही आपको बता दें, एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल के एक्सपोर्ट पर टैक्स 11 रुपए से घटाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं एटीएफ या जेट फ्यूल पर जहां 4 रुपए प्रति लीटर का टैक्स लग रहा था, अब इसे खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसी तरह पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 0 टैक्स जारी रहेगा। वही नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर टैक्स 17,000 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 17,750 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। कल किए गए फैसले से रिफाइनरी कंपनियों को जहां राहत मिली है, वहीं झटका भी लगा है। इस तरह ये फैसला इनके लिए मिला जुला साबित हो सकता है। ये कदम ONGC और वेदांत लिमिटेड जैसे ऑयल प्रोड्यूसर्स पर असर डाल सकता है। भारत ने पहली बार 1 जुलाई को अप्रत्याशित कर लाभ लगाया था। इसी के साथ वह उन देशों में शामिल हो गया था जो ऊर्जा कंपनियों के मुनाफे पर टैक्स लगाते हैं। हालांकि तब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आने लगी है, जिससे तेल उत्पादकों और रिफाइनरों दोनों के मुनाफे में कमी दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।